अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो कि गोल्डन मुर्गियों का शौक़ करते हैं, वो शौक़ सिर्फ अंडों की हद तक होता है, वो अंडे उनसे खाना चाहते हैं। तो आज हम गोल्डन पे ही बात करने वाले हैं कि गोल्डन मुर्गी कब तक अंडों की भरमार आपको देती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंडे वो किस मौसम तक देती है, और आपको गोल्डन मुर्गी कब तक रखनी चाहिए, इसी के बारे में आज हम डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर, सो लेट्स गो टू वसीम वाबी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जैसा कि भाई ने कहा, गर्मियों में हम मुर्गियां लेंगे यानी कि चूज़े लेते हैं, यानी कि उस मौसम में हमें लेने चाहिए बच्चे के जब हमें यानी कि अंदाज़ा हो कि ये सर्दियों में जाके शुरुआत में ही अंडे देने शुरू हो जाएगी। और ज़्यादातर उन मुर्गियों को घरों में औरतें रोटी भिगो के वो ज़्यादातर डालती हैं, ज़्यादा कनक गंदुम बाजरा शाजरा ये भी यानी कि डाल देते हैं, इतना यानी कि इशू नहीं होता उसकी खुराक का कि लाजमी जी बाजरा ही डालना है या फलानी खुराक डालनी है या डिमकानी डालनी है, उनका वो नहीं होता। वो सिर्फ़ अंडों के लिए होती हैं। और अंडों के लिए हमने कितनी देर मुर्गियां रखनी है या ज़्यादा से ज़्यादा अंडे कितनी देर तक वो मुर्गी देती है, और वो मुर्गी बच्चे भी निकालती है, कुड़क भी होती है या नहीं, या किस चीज़ के लिए होती है। पहली बात तो ये कि गोल्डन मुर्गी जब सर्दियों में अंडे देने शुरू हो जाए, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लेने के लिए गंदुम या रोटी ये जितनी ज़्यादा डालेंगे उसे विटामिन पूरे रहेंगे। और पालक पालक का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नागा नहीं करेगी मुर्गी, बिल्कुल नागा नहीं करेगी। और जब सीज़न पूरा हो जाए सर्दियों का अंडे, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे अब ये मौसम है, ये अभी अंडों का मौसम, अंडे खाने वाला मौसम चला गया है, अभी जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं या उनको हम रखना चाहें या अगले साल के लिए हमने मुर्गियां रखी होती हैं, कुछ मुर्गियां हमें पसंद होती हैं जी ये मुर्गी रहनी चाहिए, तो आपको मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये मुर्गियाँ जो हैं एक सीज़न ही अंडे सही देती हैं, यानी कि नागे छागे ज़्यादातर ये नहीं डालती। और जब ये दूसरे सीज़न में चली जाएंगी या गर्मियाँ क्रॉस हो जाएंगी, अगले सीज़न में हम कहें कि इनसे अंडे लेंगे, तो वो भाईजान बिल्कुल फजूल है। वो यानी कि अगले सीज़न में जाके वैसी मकदार अंडों की नहीं होगी या अंडे वैसे नहीं देगी, वो रेंज रेशो नहीं होगी अंडों की। तो एक सीज़न इनसे अंडे लें और फिर भले इन्हें बेच दें या इन्हें ज़िबा करके खा लें एक एक दो दो करके, तो आप सीज़न के एंड पे इन्हें ख़त्म कर दिया करें, ना कि अगले साल के लिए रखने के लिए। अगले साल में वो अंडों की रेशो नहीं होगी और ना ही ये अंडे देंगी, सिर्फ़ एक सीज़न वो बेचें, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने फिर अगले साल के लिए नए चूज़े लेने हैं, वो बेच के ले लें, वो बेच दें, इतने पैसे वो दे जाती हैं कि नए चूज़े आ सकें, तो आप ऐसा कर लिया करें। तो एक सीज़न ही, वैसे बंदे का शौक़ भी बना रहता है, तवज्जो भी रहती है, नए चूज़े आ जाते हैं, तो ये बड़ी पहचान करके लेने पड़ते हैं। जो फेरी वाले लोग होते हैं बेचने, उन्हें तो अपना माल बेचना होता है, वो मुर्गे भी मुर्गियां बना के दे जाते हैं, तो इनकी बड़ी परख करनी पड़ती है। आपको एक छोटी सी निशानी बता दूं, पर खोल के ना ऐसे चूज़े का देखा करें, अगर अगर पूरा फेर आ रहा है पर का पल्ले का, तो मिसाल के तौर पे पूरा बिल्कुल अंदर उसके यानी कि लकीर या खला नहीं आ रहा, तो वो मुर्गा होगा। अगर उसके अंदर यानी कि खला आ रहा है ना, जिस चूज़े की आपको पहचान नहीं आ रही ये नर है या मादा है, अगर उसके पर के अंदर खला आ रहा है अच्छा भला, वो मादी होगी। अगर नहीं खला आ रहा तो वो नर होगा, जिस चूज़े की आपको पहचान नहीं हो रही। तो लिहाजा और भी कई निशानियाँ होती हैं, ये चीज़ आप ज़रा देख के यानी कि लिया करें चूज़े। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।